Hi everyone and a very good afternoon to all of you and you are most welcome to selection target. कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास में. तो चलिए पहले तो सभी लोग लाइव आ जाएं. जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये सेशन सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट तक पहुंच सके. और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें. डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है. आपको वहाँ पर मैं क्विज करवाता हूँ. बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं देता मैं स्पष्ट अगर आपको सच बताऊँ, लेकिन जितने भी सवाल रहते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं. लिटरेचर से जुड़े हुए सवाल मैं वहाँ पर पूछ लेता हूँ. यदि आप इंटरेस्टेड हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, सब जगह ज्ञान मिल रहा है. आप मेरे टेलीग्राम पर होंगे वहाँ भी ज्ञान मिलेगा. आप मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं तो कम्युनिटी बॉक्स में भी आपको मिल जाता है क्विज, है ना. और ये आपको क्लास मिलती ही है जिसमें भी आपको मैं सिखाता हूँ बहुत सारी चीज़ें. तो बस पढ़ने वाले के लिए कहते नहीं, वो आपने 3 इडियट का एक डायलॉग सुना होगा कि ज्ञान सब जगह बट रहा है, बस हम उस ज्ञान में डुबकी लगा लें तो ये हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना. लेकिन सब लोगों के बस की बात नहीं है क्योंकि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता. किसी के लाइफ में बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, है कि नहीं. तो चलिए, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू समर, रश्मि जी गॉड ब्लेस यू, मैजबिन फातिमा गॉड ब्लेस यू. चलिए सर, टेली पे चैट के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल करवा दें ताकि कोई क्वेश्चन भी पूछ सके. नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा. ठीक है, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ. क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, सब बकवास करते हैं, सब एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं. ये एक बार मैं कर चुका हूँ और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी बच गया भोगते भोगते, नहीं तो बहुत बुरा फंसता मैं. फंसने का मतलब है कि बच्चे आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे. अब उसका कोई मेंटल किसी पे इफेक्ट पड़ जाता तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि हम एडमिन होते हैं. सो हम किसी को अलाव नहीं करते हैं. आपको जो कंटेंट मिले आप पढ़िए, बाकी चैट करने के लिए आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, आराम से उसमें बात कर सकते हैं या अपनी पढ़ाई की बातें कर सकते हैं. मेरे यहाँ ये सुविधा नहीं हो पाएगी क्योंकि बच्चे पढ़ाई करेंगे 2 दिन, बातें करेंगे 4 दिन. ये बात सच है इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बिटर ट्रुथ है. चलिए, तो बाकी जो लोग बैच के लिए अभी भी पूछते हैं तो उनके लिए ये बैच अवेलेबल है. अभी भी एडमिशन चल रहे हैं, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, 5-6 क्लासेस हुई हैं या 7 क्लासेस के आसपास हो गई हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिना किसी देरी के ज्वाइन कर सकते हैं. बेसिक से एडवांस लेवल पर आपको ग्रामर को पढ़ाया जाएगा, सबकी PDF नोट्स मिलेगी, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड वॉच कर सकते हैं. 1 ईयर के लिए वैलिड है. अगर आप 2 महीने बाद लेंगे तो आपको वैलिडिटी भी उतनी ही कम मिलेगी, ये बात जान लीजिएगा बस. ठीक है, हाँ, जो अभी ज्वाइन करेंगे उन्हीं के लिए 1 साल होगा, जो लोग देर में ज्वाइन करेंगे उनके लिए उतना ही महीना कम होता चला जाएगा. ये चीज़ हमारे यहाँ होती है साफ साफ. ठीक है, बाकी चलिए, ये नंबर है 9889292697, इस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए क्या होगा बताइए. लगभग सब लोग रेडी हो गए होंगे बढ़िया से. All the members of parliament gave their consent to the act. Few opponents only reprimanded it. क्या होगा इसका आंसर बताइए. चलिए ठीक है, चलिए प्रणाम सुनील यादव, इसका आंसर दीजिए क्या होगा बताइए. जिन्होंने शेयर किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं है. All the members of parliament gave their consent to the act. Few opponents only reprimanded it. क्या होगा इसका आंसर बताइए. हाँ ठीक है, 104 नीरू कह रही, मेरे में तो 99 ही दिख रहा है. 104 आपके में कहाँ से दिख गया. अच्छा हाँ ठीक है, 104 है, कोई बात नहीं. चलिए इसमें फर्स्ट का सी आंसर कर रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर इसमें सी में क्या गलती होगी. अच्छा बताइए जरा, कोई कह रहा है कि बी में हिज होगा. नहीं बेटा, लिखा है ऑल द मेंबर्स. मेंबर्स क्या है, प्लूरल है, तो देयर यहाँ पर बिल्कुल सही है. कंसेंट माने पता है आपको सहमति होता है. ठीक है, तो एक्ट की सहमति दे दी और लिखा है फ्यू अपोनेंट्स ओनली, तो ओनली कहाँ लगेगा, ओनली यहाँ लगेगा, ओनली फ्यू अपोनेंट्स यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है,
यहाँ लगेगा ओनली फ्यू ओपिनियंस, यानी कुछ हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है, रेप्रीमेंडेड यानी कि फटकारा कि अरे बेकार है, तो ओनली कुछ, केवल कुछ अपोनेंट्स ने, कुछ विरोधियों ने इसको फटकारा। सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए देखिए ओनली क्या होता है, ओनली लगता है सेंटेंस के स्टार्टिंग, इसके जिसको वो इम्फेसाइज कर रहा है उसके पहले लगाते हैं, ठीक है, तो ओनली फ्यू अपोनेंट्स लगाना होगा, याद रखिएगा। बट जिनका सी सही है वो उनका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन चुनने हैं, ठीक है, ऑप्शन सही होना चाहिए बस, और लॉजिक भी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लॉजिक आप सीख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दीजिए क्या होगा। आई हैव गॉन थ्रू सेवरल एग्जाम्स इन माई लाइफ बट दिस वन वॉज स्लाइट डिफिकल्ट नो एरर, वॉट विल बी द राइट ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सब कुछ नए मिलेंगे, पहली बात तो ये, इसीलिए टाइम लगता है। दूसरी चीज़ ये कि आपको लॉजिक सिंपल लगाना है, बहुत परेशान वाला, बहुत हाई भी लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है, जो पढ़ाया है उसके अंदर ही पूछूंगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। चलिए 20 इसका बी ऑप्शन चूज कर रहे हैं, बी में क्या गलती है, अच्छा ये बताइए, चलिए बी में बताइए, आप लोग गलती जैसे बी बता रहे हैं तो बी में आपका क्या लॉजिक लग रहा है कि क्या गलती हो सकती है। फिर देखिए लिखा है कि आई हैव गॉन थ्रू सेवरल एग्जाम्स, तो क्या बुराई है इसमें, ये तो सही है, आई हैव गॉन थ्रू, ठीक है, आप बी में गलती बता रहे हैं कि सेवरल एग्जाम्स, यानी मैं कई एग्जाम से गुजरा हूँ इन माई लाइफ, अपनी जिंदगी में, बट लेकिन, तो इसमें क्या गलती है। आनंद श्रीवास्तव सही कर रहे हैं, दिस वन वॉज स्लाइटली होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्लाइटली होगा, स्लाइटली डिफिकल्ट होगा। देखिए डिफिकल्ट क्या है, ठीक है, डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर स्लाइटली क्या होगा, एडवर्ब होगा, तो आपको लिखना है स्लाइटली लिखना है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूँ क्या लिखना है, स्लाइटली, SLIGHTLY, ठीक है, स्लाइटली डिफिकल्ट मतलब है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा होता है सेंस, स्लाइटली मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। सो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या होगा। द मेमोरीज ऑफ द मुंबई सीरियल ब्लास्ट आर रिकॉर्ड व्हेन द जजेस प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट टू द एक्यूज्ड नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर बताइए। द सेवल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि दा लगेगा वहां पर, ठीक है, हाँ, ये किसने आपको बोल दिया कि दा सेवल होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई हैव गॉन थ्रू सेवल एग्जाम्स इन माई लाइफ, सही है, उससे बड़ी गलती है स्ट्रिक्ट वहां पर स्लाइटली में। चलिए इसमें क्या होगा आंसर दीजिए, थर्ड का क्या होगा, बी में गलती है, बी में क्या गलती है वो बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बी में क्या गलती है वो बताइए, लॉजिक पता होना भी ज़रूरी है, और वही लॉजिक आपको ये कॉन्सेप्ट वगैरह में सिखाता हूँ मैं, इसमें बी आंसर। चलिए तो यहाँ पर जितने लोग बी आंसर कर, देखिए द मेमोरीज ऑफ मुंबई सेवरल सीरियल ब्लास्ट, तो ये घटना प्रेजेंट की है कि पास्ट की है, पहले तो आपको ये बताना होगा, आप सभी को पता है कि ये घटना पास्ट की है, मुंबई ब्लास्ट पास्ट में हुआ था, तो यहाँ पर आर रिकॉर्ड नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्या होगा, बल्कि आर की जगह पर आपको लिखना होगा वर रिकॉर्ड, यहाँ पर लिखना होगा वर रिकॉर्ड व्हेन द जजेस प्रोनाउंस्ड पनिशमेंट टू द एक्यूज्ड, ठीक है, जितने भी अपराधी थे जज ने उनको क्या की, पनिशमेंट अनाउंस की, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ पर वर का यूज करेंगे, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर फोर का क्या होगा बताइए। She will have already prepared food when I reach home. No error. What will be the right option? क्या होगा बताइए। चलिए इसमें क्या होगा आंसर बताएं। हाँ बिल्कुल, ठीक है अनिल कुमार जी, कोई बात नहीं, जाइए आप कोचिंग पढ़ाइए, क्योंकि दोपहर को 12:30 बजे इंटरनेट प्रॉब्लम था, सो क्लास आप शाम को 4 बजे हो रही है, और उसका फ़ायदा ये कि आपको मैराथन क्लास मिल गई है। देखिए एक बात समझते हैं, ठीक है, रीज्ड, चलिए
यहाँ पर पहली बात तो ये होगा कि यहाँ पर प्रिपेयर्ड होगा, क्या होगा प्रिपेयर्ड होगा, आपको पता है विल लिखा हुआ हैव लिखा हुआ है, तो बेटा हैव के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रिपेयर लिखना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ पर रीज्ड बोल रहे हैं वो ये बात जान लीजिए कि जो भी आपका कंडीशनल क्लॉज होता है वो प्रेजेंट में यहाँ पर बनता है, यह बात भी आपको पढ़ाई जा चुकी है, तो ये प्रेजेंट में बनेगा, ये रीच बिल्कुल सही है, जो गलती थी वो यहाँ पर थी, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग सी में गलती कर रहे थे थोड़ा सा सावधान रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए क्या होगा, यू वर एनफ स्मार्ट टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हर क्वेश्चन बट यू डिडंट गिव अ डैम नो वेदर व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। अर्जुन शर्मा सर दिस इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम आपको लग रहा है ना, है ना, वरना दोपहर को 12:30 बजे बच्चे ज़्यादा हो गए थे, है ना, 200 प्लस बच्चों ने देखा है दोपहर का सेशन, इस समय तो बहुत अभी 150 भी नहीं हुए हैं, है ना, क्योंकि इस टाइम बहुत लोग कोचिंग पढ़ाने जाते हैं, बहुत लोग बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। चलिए रश्मि बढ़िया, देखिए आपको पता है कि जो ये एनफ है बेटा, ये एनफ आपको कहाँ लगाना है, ये एनफ क्या है बताइए, अच्छा आपको ये बताना है कि ये एनफ क्या है बताइए, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा बताइए, चलिए आंसर कीजिए क्या होगा। चलिए इंदु बढ़िया है, लेकिन टाइम चेंज करने से भी वो होता है ना बार बार टाइम, इसलिए फिर इसके बाद मुझे क्लासेस लगातार लेनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने दोपहर तक सीमित रखा है, पूरा दिन फ्री रहते हैं कम से कम कुछ काम कर लेते हैं। एनफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा वो बताइए, चलिए स्मार्ट एनफ जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर कीजिए, एडवर्ब होगा, वेरी गुड, तो यहाँ पर एनफ क्या है एडवर्ब है, क्योंकि स्मार्ट क्या है तो स्मार्ट आपका है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है वर्ब होता है, सॉरी एडवर्ब होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, तो यहाँ पर जाएगा एडवर्ब, और यहाँ पर इसको हटा करके आपको लिखना होगा स्मार्ट और आगे लिखना होगा एनफ, यहाँ लिखना होगा बस, ठीक है, ये गलती थी, तो यहाँ पर ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए चलिए लिटरेचर क्लास रहती है ये बात है, ओह हो, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए क्या होगा, इंडियाज स्वच्छ भारत मिशन इज रिसीविंग ग्लोबल प्रेज फॉर अटेम्प्ट टू क्लोज द सैनिटेशन गैप नो इधर व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, क्या होगा बताइए। चलिए नहीं 4 बजे नहीं हो पाएगा, 4 बजे बहुत सारे बच्चों की लिटरेचर की क्लास होती है, ठीक है, तो वो तो मजबूरी ये थी कि टाइम इसके बाद है नहीं है, फिर 5 बजे करता तो 6:30 तक पढ़ाता, फिर मुझे 7 बजे क्लास लेनी थी, इसलिए मैंने 5 बजे नहीं किया। आज टोटल 45 क्वेश्चंस हैं शायद, ठीक है 45 के अप्रॉक्स हैं आज। देखिए लिखा हुआ है बी में गलती कर रहे हैं सर, सी में गलती कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बात जान लीजिए, लिखा है इंडियाज स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, इज रिसीविंग ग्लोबल प्रेज, ठीक है, फॉर अटेम्प्ट, देखिए प्रेपोजिशन फॉर है, फॉर क्या है, फॉर एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में हम जीरंड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर फॉर के बाद में जीरंड आएगा, सो आपको यहाँ पर लिखना होगा अटेम्प्टिंग लिखना होगा, ये बात मैंने पढ़ाई, बिल्कुल एकता सब लोग बढ़िया आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर होगा फॉर अटेम्प्टिंग टू क्लोज द सैनिटेशन, का मतलब होता है स्वच्छता होता है, याद रखिएगा, ठीक है, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन को क्या मिल रही है, ग्लोबल प्रेज मिल रही है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होम आई हैव चूजन टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन हैव इंडिकेटेड दैट ही विल बी हैप्पी टू डू सो नो एरर व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, क्या होगा बताइए। गुड इवनिंग प्राची शुक्ला, क्या होगा इसका आंसर है, नमस्ते संजय, सब लोग लाइक कर दीजिए, टाइम नहीं बदलेगा, टाइम नहीं बदलेगा, टाइम 12:30 बजे ही रहेगा, लेकिन जो अभी टाइम दिया गया है वो बस क्यों है, मैंने आपको बता दिया था कि दोपहर में वाईफाई सही नहीं था, नहीं चल रहा था, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कंप्लेन की है तो सही हो गया है, तो अब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, छुट्टी नहीं करी लेकिन मैंने। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, देखिए लिखा हो ईच ऑफ द स्टूडेंट हुम आई, तो इसमें क्या होगा हैज़ आंसर आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा हु, यहाँ पर लिखेंगे आप हैज़, यहाँ पर लिखेंगे
कैसे, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आई के साथ में ये हैव लिखा हुआ है, क्लियर है, इनका पेयर बन गया है, और ही के साथ में विल बी हैप्पी, इसका पेयर बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर बचता हैव, तो हैव जो है ये ईच का है, आपका प्रोनाउन है। आपको मैंने पढ़ाया कि ईच क्या है, प्रोनाउन होता है, और ईच आपका एडजेक्टिव होता है। और ईच के बारे में दो तीन बातें मैंने आपको और बताई थी, किसके साथ में हमेशा, इसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, हमेशा सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, ये ईच की खास बात है। और यही सारी बातें आपको एवरी में भी याद रखनी है। तो ये ईच है, सिंगुलर आएगा तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। जो ये हुम है, ये हुम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर हु होता तो हु का हम पेयर बनाते हैं, यानी हु के लिए भी हमें कोई ना कोई वर्ब चाहिए होती, सो ऐसा है नहीं है। सो यहाँ पर होम बिल्कुल सही है। सो जो गलती होगी वो यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। शालिनी श्रीवास्तव बेटा, अगर आपको नहीं पता है कि स्मार्ट इनफ या इनफ स्मार्ट क्या है, तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसका कोई रीजन है, जब आप वहां पर पढ़ते हैं तब आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, बताइए। If you had seen yesterday's cricket, I am sure you have enjoyed seeing our team bat. क्या होगा इसका आंसर बताइए। अब देखिए यहाँ पर ये मैं सोचिए, मैं आपको बताऊँ यहाँ कोई गलती नहीं, आप सोचिए कि seeing our team bat, team batting मतलब समझ जाइए, यहाँ पर team batting करना चाह रहा, तो शॉर्ट में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ी मिस्टेक क्या है वो आपको सर्च करनी है, ना कि यहाँ पर मिस्टेक होगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप अपने कॉन्सेप्ट की गलतियाँ ढूंढिए बस। क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत लोग कह रहे सर ए में गलती, ए में गलती क्या होगी बेटा, इसमें ए में गलती क्या, सोनी श्रीवास्तव तो बहुत बढ़िया आंसर किया आपने। देखिए ए में गलती नहीं है, इफ यू हैड सीन, मैंने कहा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है अगर, वो भी कंडीशन क्लॉज है, इफ लगा हुआ है, तो मैंने आपको पढ़ाई यदि इफ में, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, तो जो रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें हम लिखते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ये बात मैंने पढ़ाई है, इसके बावजूद भी गलतियां कर रहे हैं। तो हैड सीन है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि यो, यहाँ पर लिखना होगा हैव नहीं लिखना होगा, बल्कि यहाँ आपको लिखना होगा वुड हैव और एंजॉयड, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा बी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। शालिनी अगर आप देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, स्मार्ट के बाद में एनफ आएगा, स्मार्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में यहाँ पर एनफ यूज करेंगे, ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि एनफ जो होता है वो एनफ के दो रूप होते हैं, एक तो वो एडजेक्टिव होता है, एक वो एडवर्ब होता है। जब वो एडजेक्टिव होता है तो वो किसी नाउन के पहले लगता है, जब वो एडवर्ब होता है तो किसी एडजेक्टिव के बाद में लगता है, ये रूल होता है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। अब डाउट आए तो बाद में पूछा करिए, क्लास के बीच में डाउट नहीं लेते हैं किसी का भी, इससे क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है। अब हम पांचवा क्वेश्चन पढ़ाएं, आठवां पढ़ा रहे हैं इस समय, तो ये चीज़ें बाद में पूछा जब क्लास पूरी हो जाए करें। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा बताइए। ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स आर अराइजिंग, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, क्या होगा बताइए। चलिए इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए, ठीक है। इसमें क्या होगा आंसर दीजिए बेटा। जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ना कि एंजॉय के बाद में सीन कैसे होगा, इसका मतलब है कि आप लोगों ने कुछ पढ़ा वड़ा नहीं है बिल्कुल भी, सब भूल गए हो। जाइए पहले उठा करके वर्ब की क्लास देखिए, तब आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट देखिए, तब मालूम चलेगा कि एंजॉय के बाद में सीन क्यों आया हुआ है, ठीक है। हाँ इसमें क्या होगा बताइए, देखिए इसमें सी में अराइजिंग नहीं होगा, राइजिंग होगा बेटा, क्योंकि राइजिंग का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, और अराइजिंग का मतलब होता है ए आर आई एस आई एन जी, अराइजिंग का मतलब उठना होता है। तो यहाँ पर बात हो रही ही है कि इन्फ्लेशन की वजह से द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स आर राइजिंग,
तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन की वजह से जो जो आवश्यक वाली वस्तुएं होती हैं उनकी क्या हो रही, प्राइसेस क्या हो रही, राइजिंग हो रही हैं, बढ़ रही हैं। सो यहाँ पर राइजिंग लिखेंगे, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, एक तो आप लोग पढ़ते वढ़ते नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, सब गड़बड़ कर ही ले रहे हैं बेटा। जान लीजिए जितने लोग भी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, आप लोग कॉन्सेप्ट को जो आपको पढ़ाए जाते हैं उनको याद करिए, उनका रिवीजन करिए। ठीक है, हाँ, एग्जाम की टेंशन मत लीजिए, बल्कि कॉन्सेप्ट की टेंशन लीजिए। एग्जाम तो जब होगा तब होगा। इट इज़ अ हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर बताइए, चलिए। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। देखिए सबको पढ़ा है कि इट इज टाइम, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि आपको इट इज टाइम, और यह भी बताया था कि इट इज हाई टाइम। ठीक है, और पढ़ा था इट इज अपॉर्चून टाइम। इनके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज होती है, तो ये है, इसलिए यहाँ पर लीव नहीं होगा, यहाँ पर लेफ्ट का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, अब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, क्या होगा। इट इज इन 1920 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द स्टेट्स, टू द यूनाइटेड स्टेट्स, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। क्या होगा बताइए, चलिए। ठीक है, बिल्कुल, चलिए दीप्ति, हाँ, प्रियांशी, बिल्कुल, चलिए आंसर दीजिए। प्रीति मित्तल, हाई टाइम लेफ्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ, सीख गए हैं तो इजी है, नहीं आता तो कठिन है, बस इतना ही होता है ना। कोई भी क्वेश्चन इजी या टफ नहीं होता है, हमें आता है तो इजी है, नहीं आता तो टफ है। चलिए, हाँ, इट इज अबाउट टाइम भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इट इज अबाउट टाइम भी कर सकते हैं वहां पर। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जब 1929 की बात हो रही है तो फिर यहाँ इज क्यों आएगा, यहाँ पर वॉज का यूज किया जाएगा। इट वॉज इन, देखिए इट को क्या बोलते हैं, इट को डमी सब्जेक्ट भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। और देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं और इट को डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों के डिफरेंसेस को याद रखना बहुत जरूरी है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। घटना पास्ट की है तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। मनीषा जी, आप देखिए एक काम करिए, आप ना स्क्रीन पर लाइव लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिए, आप हमारे इक्वल आ जाएंगे। अभी पीछे चल रही होंगी आप, इसलिए आपको क्वेश्चंस लेट दिख रहे हैं। आई गेव हिम 5 पेंसिल्स, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। चलिए बाकी लोग भी लाइक शेयर कर दीजिए, आप लोग कर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, कुछ नहीं करते हैं। मैं कुछ नहीं, मैराथन वैराथन अगली बार से नहीं लेकर के आऊँगा, अब कोई फ़ायदा नहीं मैराथन लाने का, मेहनत करो 4-4 घंटे, कोई मतलब नहीं उसका। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर लिखना होगा 5 के बाद में क्या लिखेंगे, आप डजन लिखेंगे ना कि डजन्स लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कारण ये है कि डजन यहाँ पर क्या है, डजन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और पेंसिल्स यहाँ पर नाउन है, और एडजेक्टिव कभी हम ऐसे आईएस का यूज नहीं करते हैं, सो यहाँ पर डजन का यूज करेंगे, डजन्स होगा नहीं, ये होते नहीं हैं, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि ये भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको नाउन में बहुत पढ़ाया है, और डजन क्या होता है, डजन एक एडजेक्ट नाउन भी होता है ये। ठीक है, न्यूमरल नाउन भी हम बोलते हैं डजन को। 1.5 ईयर्स वेस्टेड, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। चलिए, क्या होगा इसका आंसर बताएं। थर्टीन का आंसर क्या होगा बताएं। जितने लोग भी इस बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 1.5 ईयर्स में आर का यूज किया जाएगा। ठीक है, 1.5 ईयर्स आर वेस्टेड होगा, सो ए यहाँ बी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, इज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यदि वन लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है,
और फिर अ हाफ ईयर्स लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि ईयर्स क्या है बेटा, प्लूरल है। देखिए वन एंड हाफ जो है, वन भी क्या होता है, एक न्यूमरल एडजेक्टिव का काम करता है, हाफ भी क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। और यहाँ पर जैसे ईयर्स लिखा हुआ है, तो ईयर्स में क्या होता है कि ईयर्स प्लूरल है, तो आपको आर लिखना है यहाँ पर। अभी मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा, लेकिन रुक लीजिए उसके लिए, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होगा बताइए, अभी रुक जाइए, फिर बताता हूँ उसमें, क्योंकि उसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको और भी पूछा है। राखी कुमारी, कोई लॉजिक नहीं है, आई एम डेड श्योर कि यहाँ पर आर ही आएगा, और क्यों आएगा अभी मैं बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर द टाइम, बस राइट टाइम का थोड़ा वेट कर लीजिए, क्लियर कर दूंगा। विच वन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट क्या होगा, क्योंकि उसी बेस्ड पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। रवि कहने हैव क्यों नहीं होगा, थर्ड फॉर्म दिखने वाला हमेशा हैव नहीं होता, टाइम को वेस्ट किया जाता है, टाइम को वेस्ट किया जाता है, टाइम खुद वेस्ट नहीं होता है, सो वहां पर आपको हैव नहीं लगाना है, ठीक है। जब क्योंकि पैसिव में आप जानते हैं कि हैव नहीं लगता है, हैव बीन लगता है, बात समझ में आ गई। चलिए 200 कहाँ हो गए हैं, 200 मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, 200 हो गए हैं, 170 बच्चे दिख रहे हैं, इनको 200 लग रहे हैं, ये हाल है बताइए। इसमें क्या होगा बताइए, चलिए देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, लिखा हुआ है माई सीजर्स आर नॉट शार्प, तो ये बात बिल्कुल सही है, सीजर्स के साथ में प्लूरल आता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो प्लूरल लेकर के आता है, ये बात मैंने आपको पढ़ाई है। कोई भी ड्रेसेस होती हैं, पैंट्स, स्कर्ट्स, शर्ट्स, सब ऐसा प्लूरल लेकर के आता है। अब मैंने एक बात को सुनिए, लिखा है रो अपॉन रो, तो मैंने आपको पढ़ा कि जो ये नाउन नाउन और प्रेपोजिशन और नाउन होते हैं, यदि दोनों तरफ सेम सेम है तो वो सिंगुलर लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर लुक्स बिल्कुल सही है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर के आते हैं, ठीक है। इसके बाद है द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है, बुक के लिए दैट कंजंक्शन आएगा, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। फिर लिखा हुआ ही रिजाइंड इंटायरली, रिजाइंड के बाद में इंटायरली शब्द आया हुआ है, जो कि आप कह सकते हैं कि एडवर्ब है, और आपको पता है कि रिजाइन के साथ बाद में, रिजाइन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद में आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको रिफ्लेक्सिव यूज करना पड़ेगा, सो यहाँ पर आप लिखेंगे हिमसेल्फ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ लिखेंगे। राखी देख लीजिएगा दोबारा, कहीं जहां पर बताया मुझे वो क्वेश्चन बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने कहां प्लूरल बताया है, वो क्वेश्चन अगर आपके पास है तो मुझे दे दीजिएगा, ठीक है, वरना नाउन प्लस प्रेपोजिशन नाउन यदि सेम है तो आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सो डी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 15 का, क्या होगा, वी टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा। मैं चलिए मैजबीन भी आ गई हैं, मेरे में बच्चे कम दिख रहे हैं कि ऐसा, 174 है, अच्छा अब ऐसे याद नहीं है, बोल गए होंगे, बात लगे कभी कभी गलत निकल जाता है, कभी कभी इतना सारी चीज़ें होती हैं, गलती हो जाती है, ठीक है, कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, सिंगुलर होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम ऑड टू का यूज़ करेंगे, ये रूल तो आपका क्लियर हो गया, एक बार पूछा था तो सब ने गलती की थी, तो क्योंकि देख करके शुड या नीट लगा देते हैं, देखिए नीट लगाने की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन की बात है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप चाहें तो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और चाहें तो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन की बात है। आप अपनी कंट्रीज से प्रेम करेंगे करेंगे, ये भी मॉरल ऑब्लिगेशन है, अपने से बड़ों का सम्मान भी करना एक तरह से मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए हम ऑड टू का यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 16 का, क्या होगा बताइए। चलिए आयुष कुमार नमस्ते, पूनम त्यागी सनाया, शुड का यूज भी बता दीजिए, टू नहीं लगा होता तो शुड लग जाता सनाया, ठीक है, अगर टू नहीं लगा होता तो शुड का यूज कर लेती हैं आप तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं था। विच वन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, यहां पर क्या होगा उसका आंसर बताइए। चलिए कोई बात नहीं मोनी, इसमें क्या होगा बताएं,
देखिए सेल्डम 6 में ग्रामर के लिए इनकरेक्ट पूछा है मैंने, तो राखी कह रही है कि ए सी, अच्छा सी कह रही है। देखिए बेटा इसमें कोई गलती नहीं, सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, क्योंकि पता है सेल्डम एक एडवर्ब है और यदि सेल्डम से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो अपने बात में इन्वर्जन लेकर के आता है, ये बात जानते रहिए। इन्वर्जन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब आती है। फिर लिखा शी नो सूनर रीच द स्टेशन देन, सही है, नो सूनर के साथ में हम देन यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें इन्वर्जन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं लिखा है, ये अपनी पोजीशन पर है। दूसरी चीज़ है कि ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट, तो गलती यहाँ पर है। साउंडली क्या होता है? साउंडली होता है एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, और जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो क्या होता है, वो हमेशा वर्ब के बाद आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हम बोलते हैं राइट ब्यूटीफुली, बोलते हैं ना राइट ब्यूटीफुली, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बताइए? अगर हम, क्या हम कभी ब्यूटीफुली राइट बोलते हैं? नहीं बोलते, हम बोलते हैं राइट ब्यूटीफुली बोलते हैं, वर्ब के बाद में आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत से ऐसे एडवर्ब होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है, कि जो मेन वर्ब के पहले आते हैं, जैसे सेल्डम है, स्कार्सली है, रेयरली है, हार्डली है, ये सब मेन वर्ब के पहले आते हैं। लेकिन जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो हमेशा काम के बाद आता है, यानी वर्ब के बाद आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, लॉजिक को याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है सो क्विक, ये भी देखिए सो प्लस एडवर्ब से यदि सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो भी इन्वर्जन लेकर के आता है, सो यहाँ पर आपको डिड लगाना था, बिल्कुल सही है, और सेंटेंस बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ही गलती थी यहाँ पर। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का, क्या होगा बताइए, विच वन इज एडजेक्टिव इन फॉर्म, इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है वो आपको बताना है, बताइए, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा आंसर, विच वन इज एडजेक्टिव इन फॉर्म, चलिए मनीषा कह रही है एमपीटी मतलब मनीषा पांडे टीचर, क्या बात है। चलिए इसमें क्या होगा, बी आंसर कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं सर बी होगा। चलिए कुछ लोग जैसे ए भी बता रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं कि कावर्ड बेटा नाउन होता है, ठीक है, हम कावर्डली बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कावर्डली बॉय, ये बोलते हैं, ठीक है। तो कावर्ड नाउन है, कावर्डली आपका एडजेक्टिव है। कारण ये है कि जब कावर्ड को नाउन बोला है तो यदि आप नाउन में एलवाई लगाते हैं तो आप एडजेक्टिव बनाते हैं, और यदि आपको पता ही है फिर आपको, यदि आप एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं बेटा तो आप उसको एडवर्ब बनाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउन प्लस एलवाई इक्वल टू एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये कावर्डनेस जो है वो भी नाउन है, और इन कावर्डली मैनर ये आपका एडवर्ब है, ये बात आपको याद रखनी है। सो आंसर विल बी बी यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 18 का, क्या होगा बताइए, ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, यहां पर क्या होगा राइट ऑप्शन बताएं। चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। देखिए बहुत लोग इसमें, मैं आपको बता दूं कि लिखा हुआ है अस, देखिए जो अस होता है वो दो लोगों के लिए डिनोट, दो लोगों को डिनोट करता है, यू एंड आई को ही डिनोट करता है, यानी दो लोगों की बात करता है जो अस होता है, ठीक है। तो इसमें बोथ का यूज़ हम कर नहीं सकते, कारण है कि दो लोगों के लिए हम बोथ नहीं लगाते हैं, हम दो लोगों के लिए बेटा या तो इधर लगाते हैं या हम नीदर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हटा दीजिएगा, ठीक है, तो बोथ को हटा दीजिए। वैसे बोथ यूज़ करते हैं हम, सीधा बोथ आर लिख दें तो एक अलग चीज़ है, देखिए कि मैं कह दूँ कि देयर आर टू बॉयज़ बोथ आर इंटेलिजेंट, तो वहाँ पर आप दो लोगों के लिए बोथ का यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे यूज़ नहीं करना है, बोथ नहीं लगाएंगे। नीदर का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नॉट दिखा हुआ है पहले से ही, तो आपको इधर यूज़ करना पड़ेगा, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। नन का यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नन जो होता है वो दो से अधिक के लिए यूज़ होता है, और नन के भी कई अपने रूप हैं, मैंने पढ़ाए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सो आंसर विल बी सी यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, देखिए बात समझिएगा कि बोथ आता है बट सेंटेंस नेगेटिव है ना, तो सेंटेंस में जब नेगेटिव है तो अब इतना कोई इतनी सारे पॉइंट्स होते हैं, एक दो पॉइंट मिस हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में तो पढ़ाया है ना सब कुछ, है ना। तो बोथ का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तो सेंटेंस वैसे ही नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, वो तो सबको पता है कि बोथ का मतलब दो होता है, सिंपल सी बात है। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। हाँ एक बात ये, हाँ एक पॉइंट ये है, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया है यहाँ पर जो जिन्होंने भी बोला है कि सर यहाँ पर इधर आएगा तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, ये बात सही है, ये टाइपिंग रह रहे यहाँ पर इज होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, किसने टोका है, जरा मैं नाम तो ले लूँ तो महान भाव का। एकता शुक्ला आपने बहुत अच्छा बताया है, नहीं आपका नहीं, आपने तो नॉट बताया, बिल्कुल सही बताया आपने भी, और एक कोई और था, ठीक है। नीदर नॉट नहीं आता, ठीक है, इधर नहीं आएगा, इस वर्ब की वजह से इधर नहीं आएगा। आर्यन श्रीवास्तव, देखिए इसमें बात सही है, ये इस क्वेश्चन को आप रॉन्ग कह सकते हैं, रीजन ये है कि यहाँ पर इज होना चाहिए था, ठीक है, इज नहीं है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, ठीक है, इधर ही आएगा, बड़े यहाँ पर सिंपल सी बात है, वो क्वेश्चन ही गलत है। थोड़ा सा आप जल्दी बात, मैं ठीक कर दो, रुक जाइए, क्योंकि अभी आप लोगों की PDF देनी पड़ती है, तो PDF में भी गलती हो जाएंगी, तो फिर उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं फिर, ठीक है, मैं ठीक कर दे रहा हूँ। चलिए चलिए ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने आपको। नहीं बताया था भाई बोध, अपने मन से मत बताया करिए कुछ भी, है पुराने, मुझे जब भी कोई सवाल गलती की है तो उसका स्क्रीनशॉट भेज करके ही बात किया करिए, हो सकता है गलती की भी हो, मैं मान लूंगा, लेकिन स्क्रीनशॉट भेज करके बोला करिए, आपने कभी ऐसा बताया था, आपने कभी वैसा बताया था, ये सब मत बोला करिए ऐसे हवा में। शी सेड अलास आई एम अंडन, इसमें क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन बोलिए, कहीं गलती लगे स्क्रीन शॉट लीजिए, भेज दिया कीजिए व्हाट्सएप में, हो सकता है, मैं मानता हूँ कि एज ए ह्यूमन बींग एक आध 10-20 सवाल पढ़ाए, एक आध कभी मिस्टेक हो जाती, कभी कभार होता है ऐसा, हमेशा नहीं होता है, ठीक है, कभी मूड सही नहीं हुआ, कभी तबीयत सही नहीं हुई, कभी डिस्टर्ब है, कुछ भी है, तो निकल जाता है कुछ भी मुंह से, तो विथ प्रूफ आप बोलिए कि यहाँ गलती आपने की, मैं वहाँ करेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें डी आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि टोल्ड आएगा नहीं, एक्सक्लेम्ड विद सारो वॉज अनडन की जगह पर डन लिख दिया, गलत है, एक्सक्लेम नहीं होगा, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आर की वजह से गलती होगी, ठीक है, मैंने बोला ना कि वो टाइपिंग एरर है, नहीं ध्यान दिया मैंने लिखते समय, क्वेश्चन को बनाते समय, ठीक है। चलिए आयोग भी क्वेश्चन बनाता है तो दो चार मिस्टेक कर ही देता है, हम तो फिर भी 20 काम के बाद फ्री होकर ये काम करते हैं। शीला सेड आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वर्क नाउ बिफोर आई स्टार्ट ए न्यू वर्क टुमारो, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। चलिए ठीक है, मैंने ही सब कुछ सिखाया, और उसमें मैं समझ सकता हूँ गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। शीला सेड आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वर्क नाउ बिफोर आई स्टार्ट ए न्यू वर्क टुमारो, देखिए इसमें बहुत सिंपल सा है, ठीक है, देखिए इसमें जितने लोग भी बी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टोल्ड मी मत लगाइए, ठीक है, अगर ये वाला नहीं होता तो ये भी सही हो सकता है, मैं आपको ये भी कंफर्म कर दे रहा हूँ कि देखिए यदि यहाँ पर सिर्फ सैड लिखा है तो आप सैड वाला ही यूज़ कीजिए, पहली बात तो ये, और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सैड नहीं लिखा है तो फिर आदमी टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट वाला यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें फिर बाकी जगह पर कोई गलती नहीं है, सब जगह पर सेम टू सेम है, ठीक है, बट चूंकि ये है तो आप इसको ही चुनेंगे, ये सही है, और यहाँ पर गलती ये है कि यहाँ पर इज लगा दिया गया सो ये गलत है, और यहाँ पर भी कोई ना कोई गलती होगी, ठीक है, क्या गलती बताइए जरा, टोल्ड लगा, यही गलती सबसे बड़ी, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन है। देखिए टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, टोल्ड कभी अकेला नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें क्या होगा बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 डांस टू वंस ट्यून, इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए। चलिए कोई बात नहीं दीप्ति, कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, कोशिश पूरी रहती है कि बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, है ना, लेकिन क्या होता है कि कहीं कुछ भी लगे तो विथ स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए, सर यहाँ गलती कर गए आप, तो एक्सेप्ट कर लूँगा मैं, कभी कोई ईगो नहीं है कि नहीं हम ही कोई सर्वो सर्वा ना,
ठीक है, चलता रहता सब। ठीक है, क्या होगा बताइए। चलिए ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, डांस टू वंस ट्यून का मतलब होता है किसी के टोन में नाचने का मतलब ये हुआ कि ओबिंग वंस ऑर्डर, किसी के ऑर्डर को मानना। सो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, कट बोथ वेज, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए इसमें क्या होगा, कट बोथ वेज, इसमें देखिए इसमें क्या होगा लिखा हुआ, कट बोथ वेज का मतलब होता है आर्गू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स, यानी कि आप जैसे कट बोथ वेज का मतलब हुआ कि दो लोग हैं वो आप पे उनके फेवर इसके फेवर में भी बोल रहे हैं कि आप भी सही बोल रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं ना जो कहते हैं अरे भैया आप भी सही कह रहे हो, अरे भैया आप भी सही कह रहे हो, क्योंकि वो किसी से बुराई नहीं करना चाहता, अपनी बुराई नहीं लेना चाहता, उसी को बोलते हैं कट बोथ वेज का मतलब है कि भैया हम तुम्हारे साथ भी हैं तुम्हारे साथ भी हैं। आर्ग इन फेवर ऑफ बोथ साइड, डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 23 में, ऑप्शन च्वाइस का क्या होगा बताइए। चलिए चलिए इसमें क्या होगा, थाली का बैगन। सही है, चलिए अर्जुन शर्मा, अच्छा इसमें क्या होगा बताइए। देखिए ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है नो अल्टरनेट, कोई विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास में कोई विकल्प ही नहीं बचा था, वो करे तो करे क्या, तो नो अल्टरनेटिव नो विकल्प, सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा, स्टूडेंट्स मस्ट राइट इंक इन विथ बाई टू, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए इसमें क्या होगा, 24 में कुछ लोग डी आंसर भी कर, देखिए देखिए राइट होता है जो राइट इन इंक होता है, ठीक है, और राइट विथ पेन होता है, याद रखिएगा इन आएगा, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, यू नीड नॉट कम टुमारो, नीड क्या है, चलिए बेटा बाकी लोग भी लाइक कर दीजिए फटाफट सभी लोग, है ना, मैराथन आपकी डिमांड पर ही आया है, वरना मैराथन कराने का कोई टाइम नहीं है अभी, इसलिए क्योंकि तो कोई एग्जाम की डेट भी नहीं है। यू नीड नॉट कम टुमारो, हाँ बिल्कुल चांदनी सिंह, क्या होगा इसका आंसर बताइए, यू नीड नॉट कम टुमारो। 45 क्वेश्चन से अनुपम कुमारी, देखिए इसमें क्या होगा, आपको पता है कि नीड जो है वो मेन वर्ब नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि नीड 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 मेन वर्ब भी होती है, और नीड जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन कब, जब नीड के बाद में नॉट होता है तब नीड हेल्पिंग वर्ब होती है, और जब नीड के बाद नॉट नहीं होता है तो नीड मेन वर्ब होती है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये मेन वर्ब तो है नहीं, है नॉट लगा हुआ है, सो ये मॉडल वर्ब है, याद रखिएगा, और मॉडल वर्ब में भी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, इसके अंदर भी कैटेगरी आती है कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है ये। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो होती है बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, और है और ये हैव की फॉर्म, बी की फॉर्म मतलब इज एम आर वॉज वर ये वाला, और डू की फॉर्म मतलब डू डिड डन, और हैज का मतलब होता हैज हैव हैड, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए विल बी द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए गर्मी में बहुत मुश्किल काम है, मेरा मुंह इतना सूखता है, इतना सूखता है कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है ठीक से, मैं उतने खुल के बोल भी नहीं पा रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 26, आई विश इंडिया बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए सर, नींद लिखा हुआ, नींद लिखा हुआ है। अच्छा चलिए, नींद लिखा हुआ है। हाँ इसमें भी देखिए टाइपिंग एरर ही तो है, ये क्या है, टाइपिंग एरर ही तो है, बात सही है। नीड की जगह पर नींद लिखा हुआ है, अब मैं नीड पढ़ रहा हूँ। चलिए मैं ठीक कर देता हूँ इसको, ठीक कर दिया। चलिए लीजिए, है ना, जो हुक्म मेरे आका। हाँ आप लोगों की नज़रें मुझसे भी ज़्यादा तेज हैं। क्या होगा बताइए, वुड आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर, आएगा वुड। पूछिए काहे आएगा गुरु जी, बेटा क्योंकि वुड जो है ना वो इच्छा को व्यक्त करता है, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव टी, यानी कि आप चाय की इच्छा करते हैं, चाय लेना चाहेंगे, इच्छा वुड का यूज करते हैं वहां पर, याद रखिएगा। शुड जो होता है वो सजेशन के सेंस में आता है, ठीक है, सजेशन के सेंस में भी आता है और कभी कभी एडवाइस के सेंस में भी, वही चीज़ें हैं। कैन पता है कैपेसिटी के सेंस में आता है, कुड जो होता है वो उसका पास्ट होता है, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा बताइए। चलिए, ही वर्क हार्ड ही विल पास, क्या होगा इसका आंसर बताइए। पता है क्वेश्चन बनाते अभी पूरी बॉडी में दर्द है, क्या करें, अभी इतना ट्रैवल भी करना पड़ता है, बीच बीच में पढ़ाना भी पड़ता है, पीपीटी बनाने में बहुत समय लगता है, अब बाकी घर के भी काम काज बहुत सारे रहते हैं, तो इट्स नॉट ईजी टू टीच एनी वन फ्रॉम होम, कि मैं घर से पढ़ा लूँ, इतना आसान नहीं है। चलिए इसमें क्या होगा देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर शुड का यूज होगा, किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा। अब बहुत से बच्चे इफ लगा रहे हैं तो उनके अपने प्रश्न होंगे कि सर इफ क्यों नहीं होगा, तो बेटा यदि इफ होता तो फिर ही होता, तो बेटा यहाँ पर वर्क्स लगाते, क्या लगाते, वर्क्स होना चाहिए था यहाँ पर, तो इसलिए इफ आएगा नहीं, वुड लगता नहीं है, कुड लगता नहीं, सो शुड आएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सबके अपने अपने लॉजिक हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द गंगा इज मोर सैक्रेड ऑफ इंडिया, यहां पर हम क्या फिल करेंगे वो बताइए। बिल्कुल, क्या होगा इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, द गंगा इज मोर सैक्रेड, सुमन वर्मा वो मेरे घर के बगल का सीन है, मेरे घर के बगल में यमुना नदी है और मैं यमुना नदी में ही जल विहार कर रहा था अपने दोस्तों के साथ में। चलिए बस मनीषा जी यही तो बस हाल है, क्या कर सकते। देखिए यहां पर आएगा देन एनी अदर रिवर, आपको पता है कि गंगा इंडिया की नदी है, सेम ग्रुप हो जाता है तो अदर का यूज करते हैं उसको अलग करने के लिए, कि इंडिया की बाकी नदियों में जो गंगा नदी है वो सैक्रेड है, सो देन एनी अदर रिवर आएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाए। हाँ बिल्कुल पूनम। क्वेश्चन नंबर 29, हर शर्ट इज चीपर देन, यहाँ पर क्या आएगा बताइए, ठीक है, शर्ट्स होता है वैसे तो, और इज होता है, अब लेकिन जैसे बुक में लिखा है हर शर्ट लिखा है तो मैंने भी वैसे लिख दिया, तो यही तो सब चीज़ें अलग अलग कैटेगरी में इतना यूज़ होता है भैया, कितना दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या बताएं। अब आप यहाँ आंसर बताइए, यहाँ भूल जाइए, ठीक है, सीधी सी बात है, नहीं प्रयागराज का नहीं है, इसमें योर्स आएगा, क्या आएगा, योर्स आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, योर्स, डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 30 का, क्या होगा बताइए, एंटोनिम ऑफ इनएविटेबल का क्या होगा बताएं। हाँ प्रमोद वो अच्छा गाता है ना, मेरे फ्रेंड सारे बहुत अच्छे, मैं आपको सही बताऊं, जो मेरा फ्रेंड जो गाना गा रहे थे वो प्राइमरी में टीचर हैं, जो एक और फ्रेंड मेरे साथ में वो जीएसटी कार्यालय में है, दोस्त सारे बहुत अच्छे हैं, जितने भी हैं मेरे पास सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। चलिए एंटोनिम ऑफ इनएविटेबल का क्या होगा बताइए।
सबको पता है कि इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, यानी जिसको टाला नहीं जा सकता। तो आप बोलेंगे अवॉइडेबल, जिसको आप टाल सकते हैं, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन होगा। इनसेपरेबल का मतलब होता है जो जो अलग ना हो सके, और अनसर्टेन अनिश्चित अननेसेसरी जो कि अनावश्यक हो, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इट वॉज ट्रू दैट, और बाकी ऑप्शंस हैं इनको सिस्टम से लगा दीजिए, बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा। चलिए अच्छी बात है निधि सिंह, हो जाइए। देखिए लिखा है कि इसमें ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको पता है कि इट वॉज ट्रू दैट द पेट डॉग वी वंस हैड, क्योंकि ये क्या पता है, ये एक छोटा सा क्लॉज है जो ऐसे आएगा बीच में, ठीक है, तो हो जाएगा, क्योंकि फिर बाद में कहीं एडजस्ट कर नहीं पाएंगे आप, मुझे लगता है कहीं एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो द पेट डॉग वी वंस हैड वुड नेवर स्लीप एनी वेयर एक्सेप्ट ऑन द सोफा, सो हो जाएगा पी आर, पी आर इसमें है, तो ये सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आप वंस हेड को कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं बताइए, है ना, कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, लास्ट में कि इट वॉज ट्रू दैट द पेट डॉग वुड नेवर स्लीप एनी वेयर एक्सेप्ट ऑन द सोफा वी वंस हैड, लास्ट में कैसे आएगा, सेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा इट वॉज ट्रू दैट द पेट डॉग वी वंस हैड, यदि हमने पालतू कुत्ते को एक बार रख लिया, वुड नेवर स्लीप एनी वेयर, कहीं नहीं सोगा एक्सेप्ट ऑन द सोफा, सोफे पे ही सोगा बंदा फिर, सो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, फिर वो सोफे पर ही सोएगा, सोफे पर ही, नवाबों की तरह, और आप बैठ के देखेंगे उसको। चलिए निधि बढ़िया है आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए आराम से और बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, क्वेश्चन बड़ा है सो टेक योर टाइम। बिल्कुल मनीषा इसलिए तो मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ताकि फिर कभी कंफ्यूजन ना हो, नहीं ए नहीं हो सकता। चलिए निशब्द वी वंस हैड का मीनिंग क्या होगा, कि अगर हम एक बार रख लें पेट, ठीक है, तो वी अगर हम एक बार रख लें, वंस मतलब एक बार, वी माने हम, हैड माने रखना, ठीक है। 32 का क्या होगा बताइए, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहला देखिए लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ रिलैक्सिंग बेडरूम, यानी कि एक बड़ा ही एक आरामदायक बेडरूम का माहौल बनाने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू लिखा हुआ है, यानी कि भी इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट लिखा इसका मतलब है कि उसके पहले कोई एक बात और कही गई होगी, है ना, आप भी लगा कर बोलते हैं कि यार तुम अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो, इसका मतलब है कि आपने पहले किसी को अच्छा बोला होगा, कि आप अच्छे हो तब बोलेंगे आप दूसरे को कि तुम भी अच्छे हो, तुम भी बुरे हो, तब ऐसे भी बोलते हैं, तो ये भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये पहले तो नहीं आ सकता, ये इसके पहले कोई ना कोई आया होगा। आप देखते हैं इट इज पॉसिबल टू रिट्रेन योर ब्रेन टू हैव अ साउंड स्लीप, कि ये पॉसिबल है कि आप अपने ब्रेन को रिट्रेन करें साउंड स्लीप मतलब अच्छी नींद के लिए, लेकिन कब, दिस इज पॉसिबल, ये तब पॉसिबल होगा इफ यू मेक श्योर योर रूम इज अनडिस्टर्ब्ड, कि आपका रूम बिना डिस्टर्ब वाला हो, क्वाइट शांत हो एंड डार्क और अंधेरा हो, तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये पहले आएगा इसके बाद में ये आएगा, और दूसरी बात ये कि जब रूम डार्क है, रूम के बारे में बात हो रही है, तो फिर वो एक बात ये भी कहता है कि यदि बेडरूम का माहौल अच्छा करना हो तो आपको क्या करना होगा, कैन बी डन यूजिंग अ कामिंग सबल फ्रेग्रेंस, यानी कि बड़ी अच्छी खुशबू है ना, खुशबू भी डालो, ये सारी चीजें आएंगी, तो आर हो गया, नहीं क्यू हो गया, आर हो गया और पी हो गया, तो क्यू आर पी एस, ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला ही सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ ये कंफर्म करिएगा बेटा, ठीक है। चलिए टू से लगता है ना कि बात दूसरी होगी, इसके पहले एक बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 33, ऑन सैटरडे ही लेफ्ट
दिल्ली मुंबई। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कोई बात नहीं सुनाया, ये केवल ये जो पैराजंबल्स होते हैं ओनली प्रैक्टिस से ही सही हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। पैराग्राफ हो या पैराजंबल्स हो, दोनों सिर्फ प्रैक्टिस से ही सही हो सकते हैं और कोई तरीका उसका नहीं है। उसके लिए समझ होनी चाहिए, बस समझ होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर होगा ही लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, सो यहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे, सी विल बी, उसने दिल्ली छोड़ी मुंबई जाने के लिए, सो यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। 34, द क्लर्क वॉज बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस, क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए नहीं होगा अर्जुन भैया, क्यों परेशान हो रहे हैं बार बार, 4 बजे क्लास नहीं हो सकती, बार टाइम की नहीं है बात है, 4 बजे के बाद जो मेरी क्लासेस पेड वाली होती हैं उनके लिए तो मुझे टाइम चाहिए ना काम करने के लिए। इकलौते आप हैं जिनको 4 बजे क्लास चाहिए, नहीं हो पाएगा। पुल्ड अप होगा बेटा, पुल्ड अप का मतलब होता डांटना, ठीक है, पढ़ाया मैंने आपको। पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय कर देना, और पुल्ड ऑफ का मतलब होता है सक्सीड, सफल हो जाना, और पुल्ड इन का मतलब होता है कि ऑफ द रेस, नहीं मतलब रोड से हट जाना, ऑफ द रोड ये कह सकते हैं, बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबको याद करवा दिया है, सब कुछ याद हो गया, अब आपको पढ़ाना बंद कर देंगे हम, ठीक सब सीख गए आप लोग, होशियार हो गए आप, अब मेरी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है नहीं है, मुझे लगता है अब नहीं है। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस ग्रोइंग, 12:30 बजे ही रहेगी, मैं टाइम नहीं चेंज कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा बताइए, फ्रॉम होगा, यहाँ पर होगा फ्रॉम, क्योंकि प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम आता है, प्रिवेंट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, अबस्टेन हो गया, ये सब के बाद में फ्रॉम यूज करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम यूज करते हैं, सो यहाँ पर डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ नेम इज कॉल्ड व्हाट, कल्पना शर्मा कह रही है कि अच्छा मेरा नाम भी ले लिया करिए, क्यों नहीं ले लिया करेंगे, बिल्कुल। चलिए इसमें क्या होगा आंसर बताइए, वर्ल्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, देखिए इसमें क्या है कि होगा एक्रोनिम होगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो किसी का नाम है, जैसे माँ बाप का नाम होता है, उनके अक्षर से जो अगले बच्चे का अक्षर मतलब नाम बनाया जाता है उसको एक्रोनिम बोलते हैं, प्रथमाक्षरी कह सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, प्रथमाक्षरी। और एसेंचुएट का मतलब क्या होता है बताइए, चलिए बताइए आप लोग जरा बताइए, एसेंचुएट का मतलब होता है इम्फेसाइज, और एडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट, होता है परिशिष्ट जो ऐड किया जाता है एंड में किसके किसी भी बुक में, तो उसको बोलते हैं परिशिष्ट बोलते हैं, ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, वन हु अपोजेज एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और बिलीफ्स, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। अनुष्का, विराट, वॉमिका, अच्छा चलिए मनीषा पांडे, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आपको पता है अभी बाद में बताऊंगा। वन हु अपोज एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस और बिलीफ्स, क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, होलोक्लॉस्ट नहीं होगा,
इसका मतलब होता है पूर्णाहुति। पूर्णाहुति का मतलब है कि भयंकर आग लगी हो और सब कुछ खा जाए, मतलब सब कुछ जला के राख कर दे, उसको बोलते हैं होलोकॉस्ट। क्या बोलते हैं? होलोकॉस्ट बोलते हैं। आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं जो मूर्ति तोड़ देता है। मूर्ति तोड़ने का मतलब हुआ कि भाई कोई व्यक्ति है जो मूर्ति पर विश्वास करता है कि ये मूर्तियां जो है हम इन पर विश्वास करते हैं, कोई इसको तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो आपके बिलीफ को तोड़ रहा है, वो आपकी श्रद्धा को तोड़ रहा है। तो यानी ये बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा, और इनक्यूरेबल का मतलब होता है ला इलाज, जिसका कोई इलाज ना हो। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा बताइए। च्यू द कड, चलिए क्या होगा इसका। च्यू द कड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कई बार पूछ चुका हूं और पूछता रहूंगा जब तक कि आपको एकदम रट नहीं जाएगा। सुमन वर्मा थैंक यू। क्या होगा? चलिए देखिए, च्यू द कड, आपने गाय भैंस को देखा ही होगा, वो मुंह चलाते रहती हैं, है ना। च्यू द कड, कडिंग बोलते हैं उसको, जो मुंह चलाती रहती हैं वो कडिंग बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो 4 फीट एनिमल्स होते हैं, उन गाय भैंस जो होती हैं उनके पेट में 2 पेट होते हैं, 2 होते हैं। एक में वो स्टोर कर लेते हैं जल्दी जल्दी सारा भूसा खा करके, फिर इस भूसे को उगलती हैं, चबाती हैं और फिर डाइजेस्टिव वाले सिस्टम वाले पेट पर डाल देती हैं फिर। ठीक है, 2 पेट होते हैं उनके, इसलिए कडिंग बोलते हैं उसको। इसका मतलब होता है विचार करना। वो ऐसे बैठ के मुँह चलाती रहती हैं और सोचती रहती हैं कि भैया हम कब तक ये जिंदगी जिएंगे, हैं बस खाओ दूध दो गोबर दो और फिर इसके बाद खाओ फिर दूध दो गोबर दो, इतना ही काम है हमारी जिंदगी में। यानी टू पॉन्डर ओवर, यानी विचार करना, बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा इसका? हाँ पगोरी, पगोरी, हाँ वही पगोरी बोलते, पगोरी। नथिंग एल्स एरोगेंस रियूंड हिप। क्या होगा इसका आंसर बताइए। चलिए अरे पेट के अंदर पेट होता है ना बेटा, हाँ दिखता है कि 2 पेट लेके घूमेंगे क्या वो। अब नथिंग एल्स एरोगेंस रियूंड हिम, बट आएगा। ठीक है, कई बार इसमें प्रश्न उठाया गया, मैं आपको बता दूं कि एल्स के साथ में बट आता है, ठीक है, और रेदर के साथ में देन आता है, अदर के साथ में देन आता है, यही सर्व सत्य है। इसको लेकर के बार बार परेशान नहीं होना है। अब पूनम लिखा सर आपने देन बताया, इसमें जबरदस्ती का देन बताया, एक बच्चा और पीछे पड़ गया, और जब मैंने कहा कि स्क्रीनशॉट भेजिए तो स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें बट लिखा हुआ था, तंग कर दिया भाई, जबरदस्ती का देन बता देंगे। बहुत मजे, मैंने जब पूछा कि आपने कहाँ पढ़ा, मैंने कहाँ पढ़ाया, स्क्रीनशॉट भेजिए, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें मैंने बट ही लिखा था, फिर बोले सर सॉरी सर ध्यान नहीं दिया। तो ये सब चीजें आप उतना क्लियर रखा करिए, कहीं अगर एक बार कहीं हुआ भी होगा तो बाकी कितनी बार भी मैंने बट बताया ये भी देखिए। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, क्या होगा बताइए। चलिए निधि सिंह बेटा, ये आप गूगल में सर्च करिए तब आपको मालूम चलेगा, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, क्या होगा इसका आंसर, है ना। चलिए नजाकत अली अंसारी, ओके, चलिए इसमें क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा। इसमें क्या होगा बताइए, ये होगा प्रो स्ट्रेट होगा। क्या होगा? प्रो और स्ट्रेट होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना, एकदम फैल जाना बिल्कुल, भैया गुरु जी ना बस आप ही हैं जो हैं, उसको बोलते हैं डी। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, क्या होगा बताइए। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, क्या होगा इसका आंसर बताइए।
चलिए इसमें क्या होगा बताइए। सभी हरीश प्रजापति हेलो, इसमें क्या होगा बताइए। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड का क्या होगा बताइए। इसमें क्या होगा, सी आंसर होगा बेटा, DEBAU बाउ और CHED, डी बाउचडे, बाउचडे ऐसे पढ़े, DEBAU बाउचडे मतलब होता है अय्याश, है ना, जो सारी लग्जरीज लाइफ में इन्वॉल्व रहता है उसको बोलते हैं डीबाउस्ड, ठीक है, पैसा, ड्रिंकिंग, सेक्स, इन सब में इन्वॉल्वमेंट जिनका होता है उसको बोलते हैं डीबाउस्ड। सी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड का क्या होगा बताइए। इसमें क्या होगा बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, देखिए इसमें होता है सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी विल बी द राइट ऑप्शन। स्पेलिंग क्या है, DIS, डिस सेमिनेट, डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रसारित करना, ठीक है, वो आप डिसीमेट बता रहे होंगे बेटा, डिसीमेट बता रहे होंगे आप, मिटाना, वो डिसीमेट होता है, मिटाना होता है, ये DISSEMINATED, डिसी डिसेमिनेट, आप इसको पढ़ सकते हैं याद करने के पर्पज से। डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रसारित करना, एक्सपेंड करना, ठीक है, क्या करना, एक्सपेंड करना, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, बेटा स्पेलिंग में डिफरेंस है, डिसीमेट की स्पेलिंग में आ, बेटा DISSEM डिसीमेट होता है वो, और वो डिसीमिनेट लिखा हुआ है, दोनों में स्पेलिंग में फर्क है, और कैसे पहचानेंगे, स्पेलिंग में फर्क है। इसमें आएगा बी विल बी द राइट ऑप्शन आएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन आएगा, GRIEVOUS, ठीक है, ग्रीवस, ठीक है, बी विल, इसका मतलब होता है ग्रीवस मतलब गंभीर, ठीक है। अब आपको आंसर देना क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा बताइए। चलिए वी कम हेयर दैट वी मे स्टडी, क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए मैराथन क्लास में बच्चों की संख्या जो मेरी एक बार गई थी वो गई थी 365 स्टूडेंट्स ने लाइव वॉच किया था आज से 4 महीना पहले, लेकिन अब एग्जाम है नहीं है तो बच्चे तंग आ चुके हैं कि अब नहीं पढ़ेंगे, ऊपर से काम सबने अपना अपना काम भी ज्वाइन कर लिया है इसलिए वो अपने काम पे लगे, और ये अच्छी चीज़ है, जब भी समय मिले तब पढ़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, और एग्जाम जब होगा उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। वी कम हियर दैट वी मे स्टडी, ये आएगा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब एक समय था कि क्लॉज के लिए आप लोग रोते थे, क्लॉज नहीं आ रहा, क्लॉज नहीं आ रहा है, और आज एकदम धड़ल्ले से आंसर कर रहे हैं, तो भैया अब तो फिर जब करेंगे तो फिर कहे को हमारी कुछ समझेंगे। एक टीचर ने हमसे एक बात कही थी, पता है क्या कही थी, कहा था कि आप बच्चों को सब कुछ मत सिखाइए, अगर बच्चे सब कुछ सीख जाएंगे तो वही आप पर प्रश्न करेंगे, और मुझे कभी कभी लगता है कि वो सही कह रहे थे। तो कह रहे पेड़ बच्चों को सिखाइए जो सिखाना है वो नहीं बोलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है सुना, दूसरे कान से निकाल दी बात, मुझे लगा कि अपना काम करना ईमानदारी से करिए, बच्चे क्या जज करेंगे वो बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए, क्या लेना देना, ठीक है। हाँ ये भी बात सही, वही मैं कह रहा हूँ मनीषा, है ना, तो ये भी चल सही बात है। कर्पुलेंट का सिनोनिम क्या होगा बताइए। नहीं पेड क्लास रहती है, मुझे पता है कि पेड क्लास इस समय थी,
मैं क्लास नहीं लेता, बट मैंने सोचा क्यों ना ले लूँ, संडे ऑफ था, मंडे मुझे हॉस्टल जाना पड़ा, तो मैंने सोचा ट्यूसडे का भी ऑफ हो जाएगा तो ले लेते हैं। वाईफाई नहीं चल रहा था, क्या कर सकते थे उसमें, है ना, वाईफाई का मेन इशू हो गया इस पर। कार्पुलेंट का मतलब होता है चर्बी युक्त होता है, ठीक है। तो अब इसका आंसर जो राइट होगा वो क्या होगा, ओबीज मतलब होता है मोटा, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इमेसिएटेड मतलब होता है पतला दुर्बल, गांड का मतलब भी दुबला पतला, लीन मतलब भी वही दुबला पतला होता है, दुबला पतला दुबला पतला दुबला पतला मोटा। ठीक है, लीन गांड इमेसिएट, दुबला पतला दुबला पतला दुबला पतला मोटा, ठीक है। हाँ, फल की चिंता नहीं है, कर्मण्ये मा धिकारस्तु मा फलेषु कदाचना, कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए, और मैं बिल्कुल नहीं करते जिस नंबर पर क्वेरी करनी है। अब मैं बताता हूँ आपको एक समस्या कि आज थोड़ा सा एक देखा जाए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि पहली चीज़ तो एक तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी ठीक नहीं है, है ना, पेट में दिक्कत है, मैं आपको सही बताऊँ, ठीक है, पेट में है समस्या, और इसलिए 2 दिन में हो गया दिमाग ख़राब, है ना, बुरी तरह पजल्ड है दिमाग एकदम, बिल्कुल एनर्जी नहीं है बॉडी में, पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि एक ड्यूटी सी लगती है कि बच्चों का लॉस ना हो, ठीक है, बस इसीलिए मैं पढ़ाने आया, वरना एक मैसेज ड्रॉप करता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बात ख़त्म हो जाती, ठीक है। लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि किसी बच्चे का एक उम्मीद होती है कि चलो कहीं क्लास चल रही हो ना चल रही हो, लेकिन सिलेक्शन टारगेट में क्लास चल रही होगी, प्रोविंसल ले रहे होंगे, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मैंने क्लास ली आज, वो भी मैराथन ली। चलिए कोई बात नहीं, राखी मैं कौन सा कह रहा हूँ कि भाई आप लोग फ्लैटरी करिए, नो नीड टू फ्लैटरी, ठीक है। थैंक यू मनीषा जी आपके विशेष के लिए, और विकास शर्मा, विकास थैंक यू, एकता, चलिए अनामिका श्रीवास्तव कह रहे हैं कि योर्स क्यों आएगा वहाँ पर, आप देखिएगा उसमें तुलना किससे हो रही है, उसकी शर्ट की आपकी शर्ट से हो रही है, तो योर शर्ट तो लिखा नहीं, शर्ट आगे लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखा है मान लीजिए हिज लिखा है, शर्ट लिखा था, और आगे यहाँ पर योर लिख देंगे तो बेटा ये योर से क्या मतलब हुआ, योर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव तभी आता जब नाउन होना चाहिए, तो फिर आगे भी शर्ट होनी चाहिए, जब आगे शर्ट नहीं है तो योर्स लिखेंगे, यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए मोनी चौधरी बेटा चॉइस आपकी, अगर आप तैयारी कर सकती हैं, सिलेबस मैच कर रहा है तो आप एग्जाम दे दीजिए, झारखंड का क्या जाता है, हो सकता है। अनुपम कुमारी हाँ मैं दवा लूंगा, दवा तो चल रही है, बहुत दवाई खा चुके, कितनी दवाई खाएंगे अब, नहीं पानी की कमी की वजह से नहीं था, ये दूसरी चीज़ है, मैं समझ रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। विशाखा श्रीवास्तव थैंक यू, बिल्कुल प्रीति सिंह सही कहा आपने, पूनम बात वो नहीं, वो पहले का मतलब ये पहले का मर्ज है, ठीक है, वो पहले का मर्ज है, उस पहले के मर्ज को ठीक करना ज़रूरी था, ठीक है, और बस वही है और कुछ भी नहीं है, बहुत आराम भी है उसमें, है ना। चलिए थैंक यू सुमन, चांदनी सिंह थैंक यू, प्रियांशी हाँ जीएस पूछ लिया तो जीएस के लिए तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताया वही लीवर प्रॉब्लम बताई थी, संजय आराम है पहले से, ठीक है, काफ़ी ठीक है, बहुत ठीक है बल्कि, प्रमोद कुमार बात सही है आपके, बस यही नहीं हो पा रहा है, क्लासेस की वजह से भी नहीं हो पा रहा है, दोपहर में टाइम मिलता है तो कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए राखी ठीक है,
योगा करो। अच्छा, कर लेंगे योगा, कौन सा करें ये भी बता दीजिए। हाँ लोग, संजय वर्मा। गुड इवनिंग, टेक मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक, हाँ मॉर्निंग वॉक करिए, ठीक है। शुरू किया है, मॉर्निंग वॉक शुरू किया है, 2-3 दिन से शुरू किया है। ऑयली मैं वैसे भी नहीं खाता हूँ चांदनी, ऑयली मैं नहीं खाता हूँ वैसे भी। खाली पेट पानी बहुत नहीं पी सकता हूँ मैं, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, वही खराब भी लगता है फिर वो चीज़। सर ग्रीन जूस पी लिया करिए। ग्रीन जूस ये क्या होता है? कपाल भारती। अच्छा, ठीक है सनाया, जाइए आप अपना काम करिए। गुरुजी कपाल भारती, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इसका पेट की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल, सरिता सिंह सही कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं योगा करता हूँ, पहले मुझे नुकसान करता है योगा, मैं आपको बताऊँ। मैं योगा करता हूँ पूरा दिन लेजी रहता हूँ। सही कह रहे हैं रवि, रवि भैया आप सही कह रहे हैं। सर पूरा रीड करिए। हाँ अच्छा ठीक है, बता दीजिएगा शुभांगी। हाँ आप लोग भी कम फनी नहीं है। अच्छा, सुबह खाली पेट गर्म पानी। अच्छा, करने के लिए बहुत नुस्खे हैं पर करे कौन, सबसे बड़ी चीज तो ये है। जॉब के बाद में जिम ज्वाइन करूंगा, सभी यही बोलते हैं, कुछ नहीं होता ये, बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में नौकरी करेंगे कि जिम ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं होता है, सब कहने की बात है। चलिए ठीक है, क्लास को ये वाइंड अप करते हैं। जो भी आपको पढ़ाना लिखाना था पढ़ा लिखा दिया है, मैराथन हो गई 45 क्वेश्चंस की, ठीक है। हाँ चलिए, अच्छी बात है, राखी तभी बुद्धि तेज है आपकी। हाँ पूनम, ये बात सच है, सुबह नींद बहुत अच्छी आती है, मेरे भी साथ में ये प्रॉब्लम है कि मॉर्निंग में कोई ना उठाए। बाबा रामदेव की वीडियोस को देखकर मैं और बीमार हो जाता हूँ, इतनी बीमारियां बताते हैं वो कि क्या बताएं। बिल्कुल शुभांगी सिंह सर, एलटी क्लास होगी। हाँ एलटी क्लास होगी, सफलता बैच भी चलेगा, ठीक है। 7 बजे होगी, ठीक है, 7 PM एलटी होगी और 9 PM भी क्लास होगी। चलिए तो आप छुट्टी लेते हैं, ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में, बाद में मतलब कल, बाकी से मिलेंगे 7 बजे और 9 बजे, ठीक है। 7 बजे एलटी वाले रेडी रहें, 9 PM पर सफलता वाले रेडी रहें,
और बाकी कोई दिक्कत है नहीं है, तब तक के रखिए अपना ख्याल, अपनी फैमिली का। बाय, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।